So hello everyone, and today we are going to discuss the topic of class 9, which is of the book Economics from your chapter Palampur, the story of Palampur. So in this particular chapter we were asked, get an insight of all economics, that how the economics work, because अभी तक का जो आपका पूरा सफर रहा था SST के अंदर, अगर हम बात करें सोशल साइंस के अंदर बात करें, तो आपने सिर्फ जो वो मतलब कि आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अभी तक जो सिविक्स ही पढ़ी है, बट लेकिन अब आपका ये न्यू सब्जेक्ट जो ऐड ऑन हुआ है विच इज ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा एक बेसिक इंसाइट लेंगे हाउ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चलती है. तो सबसे पहले समझते हैं ये जो पालमपुर की स्टोरी है, क्योंकि ये पालमपुर का रेफरेंस लेकर के आपको इकोनॉमिक्स समझाया जा रहा है. तो सबसे पहले समझते हैं पालमपुर की कहानी क्या है. तो पालमपुर बेसिकली एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर अराउंड 450 फैमिलीज जो है वो रहती है. ये अराउंड 3 किलोमीटर दूर है जो रायपुर जो मतलब की एरिया है, ठीक है, रायगंज एरिया रहता. और इसके पास जो मेजर सिटी पड़ती है दैट इज शाहपुर. अब बात कर लेते हैं यहाँ की एक्टिविटीज की. तो यहाँ के लोग जो है वो मेजरली फार्मिंग एक्टिविटीज पर जो है वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो स्टार्ट करते हैं. पूरा उनका जो डे थ्रू आउट रहता है, पूरा जो उनका वर्किंग रहता है, सब कुछ रहता है, वो सब कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज पे रहता है. बट थोड़ा थोड़ा सा उनका जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी थोड़ी डिपेंडेंस उनकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर भी है. फार्मिंग एक्टिविटीज तो आप जानते हैं कि लाइक फार्मिंग से जुड़ी हुई कोई भी काम करना, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना. लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि डायरी बिजनेस हो गया, ठीक है, मतलब जिसके अंदर जो है वो मतलब कि दूध वूध निकाल के जो है वो बेचते हैं. इसके अलावा मुर्गी पालन हो गया. इसके अलावा कोई किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है, कोई जो है वो कोई सर्विस सेक्टर में कोई काम करता है, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. इसके अलावा जो है वो मतलब कि ये वहाँ का प्रोडक्शन एक्टिविटीज का ओवरऑल हो गया. इसको आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि कितने लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, कितने लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, इसको आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, विच इज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीज को बनाने के अंदर जो चीजें लगती है. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरली तीन होते हैं, लैंड, लेबर, मशीन. ठीक है, लैंड, लेबर, मशीन. लैंड, लेबर, मशीन किस तरीके से, लैंड हमको चाहिए कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको कोई ना कोई लैंड तो चाहिए ही है. तो वो हमारी लैंड हो जाएगी, अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लैंड, अगर नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस है तो भी कुछ ना कुछ लैंड की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद सेकंड चीज इज योर लेबर. ठीक है, तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है. तो लेबर की रिक्वायरमेंट जो आपको है वो बेसिकली, तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली चाहिए कि मतलब कि कोई आपके जो खेत है या कोई आपका जो मतलब कि प्रेमिसेस है वहां पर कोई काम कर दे आपके लिए. ठीक है, तो यू रिक्वायर उसके लिए लेबर. और तीसरा इज मशीन. अब अगर आप फार्मिंग एक्टिविटीज भी करो तो भी उसके अंदर आज के टाइम पे मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा अगर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसके अंदर तो पर्टिकुलरली यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मशीन्स. ठीक है, मतलब वो टूल्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ी मशीन्स भी हो सकती हैं, कोई छोटी मशीन्स भी हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से हो सकती है. इसके अलावा अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में चेंजेस क्या आए हैं वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो थोड़ा डिस्कस किया गया. ठीक है, कि पर्टिकुलरली क्या क्या चेंजेस इस मतलब कि एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर पूरे आए हैं. तो एग्रीकल्चर सेगमेंट की अगर हम बात करें कि चेंजेस क्या क्या रहे हैं, तो 1960s के बाद से पर्टिकुलरली 1960s तक जो जितना भी जंगल एरिया था, जितना भी आप कह सकते हो कि नॉन फार्मिंग एरिया था, उस सभी को जंगलों को काट कर जो है वो वहां पर जो है वो मतलब कि आप उसे एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया. उसके अलावा और क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो और चेंजेस ये आए कि एग्रीकल्चरल टेक्निक्स चेंज हो गई. मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स आ गए. मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से मतलब ये है कि अब पहले जो लोग थे वो एक ही तरीके का जो है वो मतलब कि सिर्फ अपने खेत में एक ही तरीके की जो है वो फसल उगा रहे थे, एक ही तरीके की क्रॉप उगा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने एक ही खेत के अंदर थोड़ा थोड़ा डिविजन देके अलग अलग क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी है. तो उससे मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आती. इसके अलावा जो मतलब कि एक तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप के मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई
पेस्ट हो गया, किसी तरीके की कोई कीड़ा लग गया, तो उसकी वजह से जो एक तरीके की फसल का नुकसान होता था, अब वो तो नुकसान हो जाएगा लेकिन दूसरे वाली फसल बच जाएगी। तो एक तरीके से मतलब कि इंश्योरेंस कह सकते हो, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक एश्योरिटी मिल जाती है किसको, फार्मर को, कि हाँ एटलीस्ट उसकी वन ऑफ क्रॉप तो बची जाएगी, ठीक है, जिसको बाद में सेल आउट करके पैसा कमा देगा। इसके अलावा फार्मिंग के अंदर मतलब कि आप कह सकते हो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आ गई है। जब हम इस मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से मतलब ये कि 1960s के अंदर जब गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है इसको ठीक करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर को और बेटर करने के लिए हमारे को कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, कुछ मतलब चेंजेस सजेस्ट किए लोगों को कि एग्रीकल्चर में ये चीजें की जा सकती है। तो उसके अंदर सबसे पहला तो क्या था, HYV सीड्स, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसको हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी कहते हैं। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनको डालने से जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होने लगती है, इसमें कीड़े कम लगते हैं, ठीक है, और जर्मिनेशन के दौरान मिसिंग कम होती है। मिसिंग कम होने से मतलब है कि मैंने बीज डाल दिया यहाँ पे, अब एक दूरी में ही मैं दूसरा बीज लगाऊंगा, अगर ये वाली जगह पे नहीं होगा कुछ भी, ये बीज फूटा ही नहीं, इससे कुछ पौधा नहीं निकला, तो अल्टीमेटली ये जगह मेरी वेस्ट जाने वाली है इस सीजन, तो वो इसमें जो वेस्टेज है वो नहीं होती। तो एक ये हो गया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप देखिए कि आजकल इरिगेशन के मेथड्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे इरिगेशन होता था नॉर्मली, बस खेत में पानी डाल दिया, पानी डाल के छोड़ दिया, वो मेथड्स अब यूज नहीं होते। अब जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज होते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सभी मेथड्स जो है वो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर होता है कि डायरेक्टली जो फसल है, जो मतलब कि क्रॉप्स है, उनकी रूट्स में पाइप्स को लगा देते हैं, उनकी रूट्स के पास में पाइप्स को लगा देते हैं, और जो पानी है वो डायरेक्ट रूट्स में ही जाता है, ठीक है, जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होती और ज्यादा टाइम तक पानी जो है मिल पाता है फसलों को। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर भी यही होता है कि ना एक फवारा होता है, मतलब एक तरीके का स्प्रिंकलर मतलब एक फवारा है, ठीक है, और वो ना मतलब एक प्रेशर फवारा है, प्रेशर वाला फवारा है, उसमें से पानी निकलता रहता है और एक आगे एक मतलब कैसे कह सकते हो एक ऑटोमेटिक जो है एक मतलब आप कह सकते हो एक रोड होती है जो कि ऐसे हिलती रहती है, जिससे कि पानी जो है वो स्प्रिंकल होता जाता है, मतलब फवारे की तरह पूरे जो है वो फवारा बन जाता है और पूरे उसमें स्प्रिंकल होता रहता है, पानी छिड़काव होता रहता है। तो ये मैंने आपको दो बता दिया, एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम आया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आया, इसके अलावा ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है, खेतों के अंदर, जिससे काम तेजी से होने लगा। इसके अलावा एक हो जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा। तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज होने से ये बेनिफिट होने लगा कि जो फसल खराब हो जाती थी कीड़ा लगने की वजह से या किसी दूसरे वजह से खराब हो जाती थी, वो फसल अब बच जाती है। तो ये भी एक जो है वो इसके अंदर एड ऑन एडवांटेज होने लगा। तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स की इनकम थी वो इससे बढ़ी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको ही हो पाया। इसका लॉजिक क्या है, सरकार ने ये सभी चीजें, ये HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये थ्रेशर, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सब कुछ प्रोवाइड तो कर रही थी सरकार, लेकिन फ्री में नहीं कर रही थी, सब्सिडाइज्ड रेट में कर रही थी। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब क्या होता है कि आपको कम पैसे देने पड़ेंगे लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं आपसे बोलूं कि आपको एक प्लॉट खरीदना है, ठीक है, प्लॉट पहले 10 करोड़ का था लेकिन अब मैं आपको वो प्लॉट 20 लाख पे दे रहा हूं, तो आप कहोगे कि मेरे पास 20 लाख भी तो होने चाहिए ना देने के लिए, हालांकि डील अच्छी है लेकिन मेरे पास 20 लाख भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास वो 20 लाख भी नहीं है तो आप वो 10 करोड़ का प्लॉट नहीं खरीद पाओगे। तो सेम कंडीशन किसानों के साथ, सरकार ने भले ही बोल दिया कि ये लो यार ये 3 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, हमसे 20,000 ले जाओ, लेकिन अगर जिस किसान के पास में 20,000 भी नहीं है वो इसका बेनिफिट कैसे उठाएगा। तो इसीलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट था, जो उसका असर था, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के किसानों तक रह गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिर्फ इन किसानों तक रह गया, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी, तो इन तक ही इसका इम्पैक्ट आ पाया, बाकियों तक इसका इम्पैक्ट नहीं आ पाया, इसका फायदा नहीं उठा पाया। तो ये था आपका ऑल अबाउट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कैपिटल की। अब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी एग्रीकल्चरल बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले के टाइम पे ना कैपिटल का उतना अच्छा जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती थी,
मतलब कैपिटल की सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी होती थी कि आप अपने किसी रिश्तेदार से ले लो, अपने घर का कोई सामान बेच दो, अपनी जमीन गिरवी रख दो, या कोई साहूकार होते थे गांव के अंदर, ठीक है, कोई तहसीलदार होते थे, बड़े जमींदार होते थे, उन तक उनसे आप जो पैसा ले लिया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, दूसरा क्योंकि एग्रीकल्चर जो बिजनेस है इंडिया में वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कि आप कह सकते हो अनसर्टेन है, पक्का नहीं है कि भाई फसल होगी होगी नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए कि फसल नहीं होती थी तो आप उसको पे बैक भी नहीं कर पाते थे, और अगर पे बैक नहीं करते थे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाते थे, डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंस जाते थे। और उसके बाद में फिर धीरे 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 कर्जा इतना ज्यादा हो जाता था, इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता था कि आपकी जो जमीन, जैसे मान लो आपने जमीन गिरवी रखी है, गहने गिरवी रखे हैं, तो वो सब खत्म हो जाते थे पूरे, ठीक है, मतलब उसको आप छुड़वा ही नहीं पाते थे कभी, तो इस तरीके से होता था। लेकिन आज के टाइम पे कैपिटल के लिए बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप दोनों में पहले डिफरेंस समझ लो, बैंक का तो आप जानते हो, बैंक आप जानते हो, उससे आपको पता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंक का काम नहीं करते लेकिन लोन देते हैं, जैसे मुथूट फिनकॉर्प हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मणप्पुरम गोल्ड लोन हो गया, ये सब क्या है, ये सब बैंक्स तो नहीं है ना पर्टिकुलरली, यहाँ पे पैसा तो जमा नहीं होता लेकिन यहाँ से आप लोन ले सकते हो, तो ऐसे जगहों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो आज के टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इजीली लोन अवेलेबल करा रहे हैं, इसीलिए जो है वो मतलब कि कैपिटल की जो फैसिलिटी है वो बेटर हो गई है, तो लोग इजीली अब लोन वगैरह ले पाते हैं। अब बात करते हैं कि मतलब कि जो मतलब कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। तो पहले के टाइम पे, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में लोग करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती थी कि जब किसान अपने ही खेत, मतलब अपने खेत के अंदर सिर्फ अपने खाने के लिए अलग 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 चीजें उगा लेता था, ठीक है, तो वो पूरे साल भर उसे खाता रहता था, बेचता नहीं था उसको, ठीक है, उसे बोलते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। मेरा 200 गज का प्लॉट है, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा गन्ना उगा रखा है, थोड़ी सी गेहूं उगा रखी है, थोड़ा सा चावल उगा रखा है, थोड़ी सब्जियां उगा रखी है, थोड़े फल उगा रखे हैं, मैंने उसी में अपना जुगाड़ कर रखा है, साल भर में वो खाता रहूंगा, मेरा काम चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अब ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया इंडिया के अंदर, और आ गई कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होने लगा कि पहले तो जो मतलब कि एक ही तरीके की फसल उगाते थे, ठीक है, मतलब एक ही तरीके की फसल उगानी शुरू कर दी, एक तरीके की या दो तरीके की, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो तो बस दो तरीके की उगा लो, ठीक है। तो इससे क्या होता था, आपके पास में अब साल भर के, मान लीजिए मेरे पास में जो है वो 500 किलो गेहूं जो है वो इस बार मेरे खेत में लग गई है, तो मुझे साल भर के लिए तो मान लीजिए कि 50 किलो चाहिए अपने घर के लिए, तो मैं क्या करता था 50 किलो अपने पास रख के बाकी सब कुछ बेच देता था 450 किलो। तो ये जो मैंने 450 किलो बेचने के लिए मार्केट में छोड़ दी ना, ये मेरा मार्केटेबल सरप्लस है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा फसल, एक्स्ट्रा क्रॉप्स जो कि मैं बेचने के लिए अवेलेबल है, वो मेरा मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। अब लास्ट एक फैक्ट की बात कर लेते हैं और फिर यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा कि इंडिया में अराउंड जो है वो मतलब कि अब रेशियो क्या है। तो इंडिया एक एग्रीकल्चर जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे एग्रीकल्चर ही मेजर बिजनेस होता है। तो ये फैक्ट थोड़ा पुराना है क्योंकि आपकी बुक्स पुरानी है, लेकिन आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग अराउंड इंडिया में अराउंड 75 पीपल जो है वो हर टाइम एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं हर 100 में। अगर मैं मान लूं कि इंडिया में सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं तो उसमें से लगभग 75 लोग जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं और लगभग 25 लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग और मतलब कि और कोई कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी तरीके की सर्विस दे रहा है, तो ये सब काम सिर्फ 25% लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।